देख रहे हैं एक ही बार में टूट गया। अरे बाप रे बाप, वाह भाई वाह। उसमें से 35 में 34 ब्रेक हुए थे, एक मिस हुआ था। अगर एक वो टूटता तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड हम ब्रेक करते। धर्मेंद्र जी आप भावुक मत होइए। हम चाहते हैं पूरे भारत के लिए रिकॉर्ड बनाया जाए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं पूरा इंडिया के लिए कर रहा हूँ। मुझे भीख चाहिए, लेकिन आज मैं धर्मेंद्र के लिए भीख मांग रहा हूँ। प्लीज धर्मेंद्र का सपोर्ट करिए आप लोग। हाँ एकदम, चलिए क्या बात है। वाह धर्मेंद्र भाई वाह। देख रहे हैं एक ही बार में टूट गया। अरे बाप रे बाप, वाह भाई वाह। एक बार में अगवाड़े और पिछवाड़े दोनों से तोड़ देते हैं। ले लो ले लो ले लो ले लो, पानी ले लो। भारत माता की जय। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने दोनों तरफ से माथे से भी तोड़ा, और ऐसा बड़ा कम रेयर केस में होता है। आप अगर बात कर लिया जाए, पकड़े थे कि आप दबा रहे थे? नहीं मैं छू के रखा था, मुझे डर लग रही थी। कभी नहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से दबा रहे थे आप? नहीं नहीं मैं बस ये पकड़ छू के रखा था कि मैंने कहा हाथ इनका बैठ गया मेरे हाथ में तो मेरा हाथ गया। इनको भी डाउट है कहीं हाथ मेरा चला जाए। धर्मेंद्र जी अगर बात कर लिया जाए, आज आपकी जिंदगी से हम थोड़ा सा सवालात करेंगे। जहाँ से लोग कहते हैं ना कि जिंदगी खत्म होती है, वहाँ से आप शुरुआत किए हैं मुझे पता है। अगर देखा जाए नारियल की बात कर लिया जाए, दोनों तरफ से तोड़ना नामुमकिन है। मैं समझ यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि नामुमकिन है। अगर नारियल की ही बात करें, जहाँ इंडिया गॉट टैलेंट ने आपको निकाल दिया था, क्यों निकाला था? वहाँ पर निकाला नहीं गया था एक्चुअली। क्या हुआ, पहले हमने बम से वहाँ पर क्या हुआ था, तो पानी पी रहे थे तो वहाँ पर शेल्फा सेठी जी और बादशाह मुझे मतलब कैसे क्या करते हुआ क्या शन करने वाले हो, तो मुझे वहाँ बोलना चाहिए था। मैं हर मतलब हर स्टैंड में हर तरीके से करता हूँ, तोड़ना चाहिए। मैं वहाँ बोल दिया मतलब बम से भी नारियल तोड़ता हूँ। वो घबरा गए, मतलब लग रहा है मेरे को बम से पानी पिला रहा है तोड़ के। मैं बोला नहीं नहीं मैं वहाँ तोड़ने वाला, आपकी स्पेशल पानी अलग से लाया गया है। फिर वह थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। फिर जब मैं बैग से नारियल तोड़ना शुरू किया था, तो बाद में बादशाह की सारा करती है, पानी लेके इसे दिखाती है कि मतलब इसी चीज़ तो कहाँ डाउट हो गया, कहाँ उन लोगों को डाउट हो गया कि धर्मेंद्र सही नहीं बोल पाया, या फिर आपको लगा कि उनके लैंग्वेज में बता नहीं पाए आप? एक्चुअली क्या था, ये स्टेंट में करता हूँ अभी वर्ल्ड में किसी के नहीं है। वो पहला हमको मंच मिला था, ये स्टेंट ने करके दिखाया था। कुछ अलग था तो मैं अलग सीख के गया था कि मैं कुछ अलग करके जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर होगा और सभी लोगों का दिल जीतूंगा वहाँ पे। अभी वो क्या, पहले जब ये देखे तो बोले ये कौन सा तरीका है तोड़ने का, इसका कोई टैलेंट है? जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुलाए हो तो आप पूछ सकते हो ना कि मतलब रिकॉर्ड है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तब मुझे वहाँ से लाल चला दो या बाहर निकाल दो, चलेगा ना? तो वहाँ क्या, पहले ही रेड चला दिए। रेड में तीन क्रॉस होता है, तीनों रेड दोनों दबा दिए बादशाह भी शिल्पा शेट्टी भी कि मतलब ये सही नहीं। शिल्पा शेट्टी को तो देखा गया कि हाँ ये है, लेकिन फिर जो मैंने सर से जब तोड़ा तो बताया गया था, अभी जो बैग से तोड़ा गया तो था और इसने काटा गया, क्लिप काट दिया गया। मतलब वहाँ पे उनको बोला कि मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऑडियंस में जितने लोग बैठे सभी को चैलेंज करता हूँ, जैसे मैं तोड़ा उसे तोड़ के दिखा तो मैं मान जाऊंगा। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बैठे तो उनसे पूछो ना कि रिकॉर्ड है कि नहीं। शांत रहिए ना, एक मिनट। हाँ तो वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पूछा गया कि फिर वो अपना लैपटॉप में चेक किए कि रिकॉर्ड अभी वर्ल्ड में किसी का है कि नहीं है। वो चेक किए, बताया कि अभी वर्ल्ड में किसी का रिकॉर्ड नहीं है, अगर चाहते तो भारत के लिए रिकॉर्ड बन सकता है। तब जाके बोले कि मुझे धर्मेंद्र राजभर जी मुझे आप डांट सकते हो, बोल सकते हो, आपके बीच में रोका। अरे रोके क्या, जब तू ललका बटन में दबा दला तो क्या रेगुलर में। देख लीजिए सर मानी चाहिए ऐसे इंडिया गॉट टैलेंट वाले को, चाहे शिल्पा शेट्टी हो चाहे वहाँ का बादशाह हो, ऐसे लोगों को क्या लगता है? बहुत मेहनत करके जाते हैं, खून पसीना एक करके जाते हैं प्रभु। और आप लोग हमारा वही टूट गया था जब वहाँ पर रेड बटन चलाया गया था। फिर दूसरा बार हमने जब मैं देखा था, आंखों में आंसू थे और एकदम हताश हो गए थे आप, उस वीडियो को मैं देखा। जब दूसरा हमारे सर से तोड़े थे तो सभी को दिल जीत लिया था। जब सर से नहीं किया था तो एक्चुअली क्या हुआ, हमको 20 नारियल एक्स्ट्रा तोड़वाया गया था। उनको भी नहीं पता था, शिल्पा शेट्टी को नहीं पता होगा, मतलब ये कर चुका हमें तो ऑलरेडी। हमको 20 नारियल तोड़े गए थे तो चमड़ा उतर गया था मेरा। उतरने के बावजूद भी मैंने ये 50 नारियल तोड़ने थे मुझे वहाँ पे, मुझे अपने हिसाब से रखा था। बताया गया था कि नए ब्लड आने के बाद भी तुरंत आपको पट्टी लगाया जाता है जिस तरह से है। तो वहाँ पर हम लोग 35 नारियल लगातार मैंने सर मारा था एक मिनट में, तो उसमें से 35 में 34 ब्रेक हुए थे, एक मिस हुआ था। अगर एक वो टूटता तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड हम ब्रेक करते। लेकिन बधाई हो, आप जाएंगे आगे। आकर लास्ट सवाल होगा, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? देखिए हम चाहेंगे कि पूरी भारत के लिए रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। जब वो पाकिस्तान को होकर मोहम्मद रशीद नसीम जो है वो जब वहाँ से स्पॉन्सरशिप मांग सकता है, हम तो यार इंडिया में है, इंडिया में सब भारत देशवासी, उसमें स्पॉन्सरशिप मांगता, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 1 रुपया भी देता है 140 करोड़ जनता है,
अब मानते 140 करोड़ जनता का 1 रुपया देता तो पता नहीं कितना रिकॉर्ड में खड़ा कर दूंगा, गिनती नहीं होगा। ये तो कुछ नहीं, ट्रेलर है, अगर एक जगह स्थान मुझे मिल जाए कि रिकॉर्ड आपको बनाना है, मैं कहता हूँ कभी मिस नहीं करूंगा, इतना रिकॉर्ड तोड़ूंगा कभी पागल हो जाएंगे चाइना पाकिस्तान, ये रिकॉर्ड कैसे ब्रेक करे। कितनी शर्म की बात है कि लोग इनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। क्या आप लोग सहयोग करेंगे? आप लोग बताइए, देखिए बच्चा बताइए, सहयोग करोगे ना? हाँ। अगर बात कर लिया जाए आपका अकाउंट गूगल पे नंबर कैसे लोगों तक जाएगा? गूगल अकाउंट नंबर सब शेयर कर देंगे, दे देंगे आपको। अगर जितना हो सके, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक ही आदमी को बाहर डालना है, मुझे जितना हो सके आप मदद कर सकते हो, और मदद मिलेगा तो मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये रिकॉर्ड में अपना बनारस में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं इससे कहा होगा कि अगर बनारस में करूंगा, हमारे महादेव का धरती है, तो यहाँ से क्या होगा, पूरा विरासत पूरा नाम होगा और पूरा देशवासी का नाम होगा। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल हम आपका सपोर्ट करते हैं, और दर्शकों से भी मैं चाहूंगा, इतने लोग हैं, सबसे मैं विनती कर रहा हूँ कि इनका सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं भैया? क्यों नहीं, आप सभी लोग बताइए एक बार, सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अपने लिए लड़ रहे हैं कि भारत के लिए लड़ रहे हैं? भारत के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? अरे बात चला तो आप देख लीजिए। वो बात करना चाहता हूँ, हमारे मुंबई में सुविधा राजभर और ये हमारे बड़े भाई, अरे धर्मेंद्र जी इन्हीं के देने में वहां पहुंचा हूँ। धर्मेंद्र जी आप भावुक मत होइए, हम चाहते हैं पूरे भारत के लिए रिकॉर्ड बनाया जाए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं पूरा इंडिया के लिए कर रहा हूँ। मैं मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिलेगा यार। मैं अपने आप से इतना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, और सब भाई का हाथ है, हमारे रमेश भाई भी यहाँ पे पूरा हेल्प किए, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे इतना प्यार दुलार दिए। बना देख रहे हैं ना माता जी, ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो किसका होगा? शर्म आ रही है आज। मैं कभी किसी के लिए विनती नहीं किया हूँ, और ना मैं अपने लिए, मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मैं कभी अपने लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे भीख चाहिए, लेकिन आज मैं धर्मेंद्र के लिए भीख मांग रहा हूँ। प्लीज धर्मेंद्र का सपोर्ट करिए। आप लोग कितने लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे आज धर्मेंद्र का? धर्मेंद्र का सपोर्ट होना चाहिए, अगर इसका सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। जाओगे भाई, और धन्य है आपके साथी। देखिए बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई तो खड़ा है आपके लिए। वहाँ रिकॉर्ड जब ब्रेक किए थे तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, पैसे की डिमांड थी, जब हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे तो वहाँ पे बोले कि आपको इसे भी तोड़ना है। मैं भाई से बोला कि मुझे इस पे नहीं हो पाएगा, मुझे इसे ऐसा ब्राउन पत्थर चाहिए। भाई ने तुरंत रेडी हुआ, मंगाया भी। मुझे उस दुख के बाद दस एक नारियल से जो मिस हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ, अब क्या बता सकते हो। अरे मैं देखा जाए, अगर एक नारियल से मिस हो जाओ तो आपको कैसा फील होगा? अगर एक नारियल से मिस हो जाए, अगर मेरे कहते हैं ना जब मैच खेलते हैं तो रिकॉर्ड जब अपना जीतने वाला होता है, अगर एक रन हार जाओ बहुत खलता है। एक ट्रेन जब छूट जाती है, एक ट्रेन अगर हम जाते हैं और टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, छूट जाती है, तो जैसे लगता है कि मेरी आत्मा हमारे शरीर से निकल गई। लेकिन धर्मेंद्र जितना मेहनत करके जाता है, और जाने के बाद एक नारियल की वजह से आज ये बुक आप वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, शर्म की बात है। लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान है, क्या ऐसे ही महान बनेगा? ऐसे ही महान बनेगा? आप लोग कह देते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी बताया करीब 1,25,000 थे, वो भी हैक हो गया, करीब 15-16 लाख अभी भी हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर है धर्मेंद्र राजभर पीसीएल में, इसके भी लोग ब्रांडेड अकाउंट बनाकर चैनल को रिकवर कर लिए। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं चाहता हूँ किस तरह आपको प्यार दुलार मिले, फिर भी मैं रिकॉर्ड बना के रहूंगा, अगर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराऊंगा। अब ये कहते हैं ना कि अगर कोई जोश जुनून है जिस तरह आपका है सर, मेरे अंदर भी। धर्मेंद्र जी 1 साल पहले हमको भेजे थे, मैंने बहुत अच्छा 1 साल पहले इन्होंने मेरे पे मैसेज किया था, इस्तफाक था, मैं खान सर का वीडियो इस समय कर रहा था, तो इस समय इनका फ़ोन आया था, तो मैं हरियाणा में थे इसलिए मैं इनका वीडियो नहीं कर पाता, नहीं तो 1 साल पहले मैं इनका वीडियो करता और बढ़िया से करता। लेकिन विनती कर रहा हूँ कि धर्मेंद्र के लिए व्यवस्था किया जाए, जो राजनीति करते हैं ना, शर्म आ रही है आज की। धर्मेंद्र राजभर के लिए कब राजनीति होगा? ऐसे लोगों को कब आप चाहते हैं कि भारत के लिए एक अलग किया जाए? इतने लोग खड़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि कैसा कैसा परिश्रम करना पड़ता है। एक गरीब घर का लड़का जब निकलता है ना, तो सब कुछ अगर देखा जाए तो न्यौछावर कर देता है। क्या इनकी माँ को तड़प नहीं होगा? क्या इनके बाप को तड़प नहीं होगा? लेकिन भारत के लिए एक नाम रोशन करना चाहते हैं, और हम सभी आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आपकी सहायता किया जाएगा। सभी लोग करिएगा ना सर, सभी लोग ना। देखिए इस गांव से लोगों का है प्यार हमारे बहुत काफी, अगर ऐसे प्यार मिला तो मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि लोग भारत देश में याद करेंगे, चाइना पाकिस्तान जर्मनी, मैं तो चार एक बार मेरे सामने आए,
सामने फिर पता लगेगा कौन कैसा है, देखा जाएगा उसमें तोला जाएगा तराजू में। बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। क्या बात है, धर्मेंद्र के लिए ताली होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ जो मोहम्मद रशीद नसीम नाम है जो अपने पाकिस्तान से है, वो मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, कहता हूँ एक बार सामने आए फिर पता लगेगा गुरु और चेले में लड़ाई होगी। क्या बात है, कौन कितना तोड़ता है सामने आए। मैं तो ये कहूंगा कि एक बार मौका मिले तो फिर मजा आएगा ना, कि रिकॉर्ड कैसा ब्रेक होता है, फिर सामने करेंगे, फिर देखे जाएगा कौन कितना तोड़ता है। अब जैसे ने बहुत तोड़ लिया नारियल, वो भी देख भावुक हो चुके हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, बोलते हैं कि मार्शल आर्ट वाला है। मैं कहता हूँ मार्शल आर्ट नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से उनको देख के मैंने इतना सलेक्ट सिखा हूँ। अब मुझे वाइडियो ब्लॉक भी कर दिए कि वो देख नहीं सकता है। अच्छा, इतना तक कर दिए, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मुझे कहते हैं ना जो बूढ़ा बैल होता है वो चला हरा ही चलता है तो भूलता नहीं है, ऐसा अंदर मेरा हो गया है। नहीं नहीं, शुभकामना है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के लिए शुभकामना है, और आप लोग से विनती है कि धर्मेंद्र का सहयोग करिए और धर्मेंद्र भारत के लिए नाम रोशन करेगा। अगर धर्मेंद्र का नाम रोशन होगा तो भारत का नाम रोशन होगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।